प्रिय विद्यार्थियों, आरसीएच बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज संपीड्यता व प्रवास अनुपात के बारे में। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये भी। देखिए, ये जो टॉपिक है संपीड्यता व जो प्रवास अनुपात है, तो देखो ये दोनों ही इससे आपस में जुड़े टॉपिक हैं। जो कैसे, जिससे हम पहले बात करें संपीड्यता की, तो जो संपीड्यता है वो होती है संपीड्यता, तो संपीड्यता बराबर होता है 1/ आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गुणांक, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो आयतन जो प्रत्यास्थता गुणांक है, इसका जो व्युत्क्रम है, इसके व्युत्क्रम को ही संपीड्यता कहा जाता है। भाई समझ गए, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अपन कह सकते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता जो गुणांक है के, इसका जो व्युत्क्रम है, इसके व्युत्क्रम को ही संपीड्यता संपीड्यता कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, इसके व्युत्क्रम को ही संपीड्यता कहा जाता है। अपन जानते हैं जो गैस होती हैं, हम गैसों के अगर हम आयतन में अगर हम गैसों में आयतन विकृति उत्पन्न करना चाहें, यानी गैसों में आयतन विकृति अगर हम उत्पन्न करना चाहते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो होता है ताप को नियत करके, यानी समतापी प्रक्रम पर। एक होता है ऊष्मा को नियत करके, यानी रुद्धसम प्रक्रम पर। तो अपन कह सकते हैं कि अगर हम आयतन विकृति उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। तो एक तो है, पहला है ताप को नियत रखकर, ताप नियत रखकर, ताप को हम नियत रखकर भी आयतन विकृति जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रकार है ऊष्मा, ऊष्मा को नियत रखकर, ऊष्मा को नियत रखकर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम दो प्रकार से किसी गैस के आयतन में आयतन विकृति उत्पन्न कर सकते हैं, ताप को नियत रखकर, एक है ऊष्मा को नियत रखकर। तो इसके आधार पे ये जो संपीड्यता है, संपीड्यता जो है इसको हम बीटा से दर्शाते हैं। इसका बीटा जो है इसका प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है। तो हम इस बीटा जो है संपीड्यता, ये भी दो प्रकार की हो जाएगी, क्योंकि आयतन विकृति ही हम दो प्रकार की उत्पन्न कर रहे हैं, ताप को नियत रखकर, ऊष्मा को नियत रखकर। तो ये जो संपीड्यता है, ये भी दो प्रकार से परिभाषित होगा इस आयतन विकृति के आधार पे। तो अब यहाँ पे हम बात करें आगे, देखो प्रवास अनुपात की, प्रवास अनुपात क्या होता है। तो हम बात करते हैं प्रवास अनुपात की। देखो तो ये क्या होता है, पवासो अनुपात है, पवासो अनुपात ये होता है पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति, इसका जो भी अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम कहते हैं पवास अनुपात। पवास सिंबल से परिभाषा देखो, यानी पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है उसे ही हम कहा जाता है पवास अनुपात। जैसे कोई तार है, मान हम तार को बढ़ाना चाहते हैं, हम तार को तरन करना चाहते हैं, तो हम बाह्य बल लगाएंगे तार के ऊपर। अब हमने तार पर बाह्य बल लगाया तार को बढ़ाने के लिए, उससे क्या होगा, जो तार है उस तार का जो व्यास है, व्यास संकुचित होगा, यानी व्यास कम हो जाएगा। तो फिर क्या है, हम तार को बढ़ाना चाहते हैं, बाह्य बल हमने लगाया है, तार का व्यास थोड़ा कम हो जाएगा, तार का जो व्यास है संकुचित होगा। उस समय क्या है कि जो बल है, उस बल के लंबवत दिशा में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसको कहा जाता है पार्श्विक विकृति। तो क्या है, किसी तार को तनन करने के लिए, तार को बढ़ाने के लिए हम जो बाह्य बल लगाते हैं, उस बाह्य बल लगाने से तार का व्यास संकुचित हो जाता है और उस बल के लंबवत दिशा में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पार्श्विक विकृति। और जो विकृति है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति है, इसका जो अनुपात है वो अनुपात कहलाता है पवासो अनुपात। अब ये जो विकृति है पार्श्व विकृति, ये डेल्टा जो है, यानी पार्श्विक विकृति है,
पार्श्व विकृति होती है डेल्टा डी अपॉन डी, और ये होती है डेल्टा एल अपॉन एल, और अनुदैर्ध्य जो विकृति है ये होती है डेल्टा एल अपॉन एल। तो हम दोनों का जो मान है ये यहाँ 70 रख दें दोनों का, तो ये मान यहाँ रखने से जो पवासो अनुपात है, ये पवासो अनुपात जो है ये आता है इनका मान रखने पर डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल। तो क्या है कि ये एल इससे गुणा हो जाएगा, तो डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डी इंटू डेल्टा एल, तो ये हमारा मान प्राप्त होता है पवासो अनुपात का जो मान है ये प्राप्त होता है। ठीक है भाई, तो ये है हमारा पवासो अनुपात। हम इस वीडियो में इतना अध्ययन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।